भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय राय को मनोनीत किए जाने पर कभी कांग्रेस के गढ़ के रूप में जाना जाने वाले अमेठी में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अजय राय के उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के उपरांत जैसे ही यह खबर नेताओं और तक पहुँची, लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अमेठी कस्बा स्थित अम्बेडकर तिराहे पर पहुँचकर पटाखे फोड़े और लड्डू बांटे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता एवं भेंटुआ के ब्लॉक प्रमुख आकाश शुक्ला ने बताया कि अजय राय जी को शीर्ष कमेटी के द्वारा पुनः उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, इसीलिए शीर्ष नेतृत्व को आप धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इस बात को लेकर हम लोगों में खासा उत्साह है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 बड़ी जीत दर्ज कराएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से देश की संसद में उत्तर प्रदेश का अहम स्थान है, क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। अब हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जब भी अमेठी आएंगे, हम लोग बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करेंगे और पूरे जोशों खरोश से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए केंद्र में सरकार बनाएंगे। वहीं पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बधाई देते हुए कहा कि अजय राय जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीतकर कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। अजय राय जी के नेतृत्व में युवाओं को संघर्ष में काफी योगदान और सहयोग दिया जाएगा, युवाओं में काफी खुशी का माहौल है। हम सब अजय राय जी के कदम से कदम मिलकर साथ चलने के लिए तैयार है। अमेठी की आम जनमानस की तरफ से शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं उनका। आज माननीय अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसको कांग्रेस पार्टी तथा अमेठी के लोग इस हिसाब से देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और 2024 के आने वाले चुनाव में अमेठी से पुनः एक बार कांग्रेस का सांसद होगा, कांग्रेस से सांसद बनाया जाएगा और श्री राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, श्री राहुल जी को यहाँ से पुनः सांसद बनाया जाएगा और भाजपा की जितनी भी झूठे वादे और झूठी अकलियों पे जो आज सरकार ये बना के चला रहे हैं, सरकार को धूल में मिला दिया जाएगा। इसी प्रण के साथ, इसी आशय के साथ आज अमेठी के जनमानस में बहुत खुशी है और बहुत तहे दिल से इंतजार करेंगे। जिस दिन अजय राय जी यहाँ आएंगे, उस दिन इससे भी भव्य स्वागत उनका दिखाई पड़ेगा और भाजपा को ये चीज दिखा देंगे कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या परिस्थिति होने वाली है।